Good morning, all of you. Today we start our new chapter, chapter number 13, exponents and powers. Exponents and powers. क्या होता है, कैसे होता है, चलिए देखें एक छोटा सा पार्ट इसका. मान लिया हमने लिखा 3 × 3 × 3 × 3. यानी हमने लिखा 3 को ओवरऑल 4 टाइम्स. इट मींस दिस कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 4. 3 raised to the power 4. क्या रीड किया मैंने इसको, 3 raised to the power 4. 3 को क्या लिखा, 4 टाइम. इट मीन्स ये 3 जो बना वो बनता है अपना बेस, एंड 4 होता है उसको हम लोग कहते हैं. अब 3 raised to the power 4 का मतलब होता है ये नहीं होगा कि हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 = 12 बना दिया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. इट मीन्स क्या हुआ कि हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. 3 × 3 × 9, 9 फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 9 × 3 = 27, 27 ने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर इज 81. यानी अगर हमने लिखा 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 4, इट मींस वो बनता है अपना 3 × 3 × 3 × 3. इट मींस हमने 3 को क्या लिखा, 4 टाइम नोट किया, और इसको क्या रीड किया, 3 raised to the power 4. उसमें 3 क्या बना अपना बेस, और ये जो 4 लगाया था वो कहलाया इसका एक्सपोनेंट. ठीक है, इसका मतलब ये जो पार्ट जो था 3 × 3 × 3, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड पार्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म. और ये जो 3 raised to the power 4 लिखा गया, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यानी 3 raised to the power 4 जो लिखा गया उसको हमने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको जब हमने ये लिखा 3 × 3 × 3, तो उसको कहा हमने एक्सपेंडेड फॉर्म. सेम एज मान लिया मैंने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2. यानी 2 को हमने कितनी टाइम काउंट किया है, टोटली 5 टाइम. इट मींस 2 raised to the power 5, वेयर 2 इज द बेस एंड 5 बना अपना एक्सपोनेंट. रीड क्या किया, 2 raised to the power 5. ये जो चीज थी वो अपनी क्या कहलाई, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म. और ये जो पार्ट था 2 raised to the power 5, उसको हमने कहा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है. यहां तो सिर्फ किसकी बात की, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की. अगर वही हमारे एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाए तो a raised to the power 5 लिखा. मान लेने सकता कि a × a × b × b × c. इट मींस अब हमें इंडिविजुअल वैल्यू को काउंट करना पड़ेगा. यानी a हमारे पास था ओवरऑल 2 टाइम्स, देन a की पावर 2, a रेज टू द पावर 2. b रेज टू द पावर 3 एंड c 1 टाइम. सी को हमने ओनली लिखा, c रेज टू द पावर 1 लगाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं. लगा दिया तो भी बेटर है, नहीं लगाया तो अपना आंसर गलत नहीं.
जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की थी उस समय ये कहा था कि जब कभी टू वेरिएबल्स के बीच में कोई सिंबल नहीं था, इट मींस 100% मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो भी करेक्ट है, अगर आपने ये दिया तो भी करेक्ट है, दोनों सेम है, दोनों ही बातें क्या है सेम है। मान लिया हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, मान लिया लिखा मैंने 3a2b2c, इट मीन्स ये क्या था, लिखते थे हम 3 × a × a × b × b × c, ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म थी, है ना, शॉर्टेस्ट यानी क्या थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, और ये इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये नहीं बन गई अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ हमने यहाँ लिखा है 3, अगर मैं 3 की प्लेस पर लिखता 9, तो आप यहाँ करते 3 × 3, है ना, 3 × 3, यहाँ तक सारी जितनी बात की वो सब पॉजिटिव मैनर में बात की है ना, यानी सबके सिंबल्स कैसे थे अपने पास में, पॉजिटिव सिंबल्स, अगर सिंबल्स अपने कैसे हो जाए नेगेटिव सिंबल्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव सिंबल्स आ जाए तो क्या करेंगे, तो हमने बात की कि इसको अभी तक तो हमने पॉजिटिव मैनर में बात की, यानी केवल पॉजिटिव सिंबल्स के साथ बात की, इन केस अगर ये नेगेटिव होते तो क्या होते, है ना, इन केस वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सिंबल्स तो हम क्या करें। जो मान लिखा मैंने -3 × -3 × -3, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, माइनस थ्री कितनी टाइम लिखा हमने, 3 टाइम, -3 raised to the power 3 लिख दिया हमने, -5 को कितनी टाइम रीड किया हमने, 1, 2, 3 और 4 टाइम, इसको क्या लिख सकते हम लोग, -5 raised to the power 4। यहाँ से देखो एक नई बात करी कि अब तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, हमने इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा था, है ना, इन केस वैल्यू तो आप क्या कहोगे सर, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 20, ठीक है, इधर किया आपने 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, या पॉजिटिव बनाऊंगा इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, है ना, तो एक छोटा सा रूल बनाते हैं, लिखा नेगेटिव वैल्यू इसकी पावर दी मैंने ऑड नंबर, ठीक है, यानी बेस क्या था नेगेटिव और पावर यानी एक्सपोनेंट्स जो थी इसकी वो किसकी फॉर्म में थी अपनी, पॉजिटिव सॉरी ऑड नंबर की फॉर्म में, तो जो सॉल्यूशन निकलेगी जो फाइंड आउट करेगी तो उसका रिजल्ट आएगा ऑलवेज नेगेटिव, वैल्यू जो थी नेगेटिव थी और उसकी पावर जो थी ऑलवेज पॉजिटिव सिंबल, है ना, तो हमने देखो 3 ऑड नंबर नेगेटिव सिंबल के साथ आएगा, पावर इन एक्सपोनेंट जो थी वो थी अपनी 4, 4 था अपना एक इवन नंबर, यानी 25 है पॉजिटिव सिंबल या तो 625, और हमें नहीं होती है तो आंसर ना प्लस का 625, इसको हमने केवल 625 नोट डाउन कर दिया, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग कंडीशन का रूल अपने पास मिल चुका है कि व्हेन बेसिस इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यूज एंड एक्सपोनेंट
आर ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, है ना। जब ऑड नंबर थी तो रिजल्ट जो मिला वो नेगेटिव सिंबल के साथ मिला, और वही जब इवन नंबर थी तो रिजल्ट मिला मुझे प्लस सिंबल के साथ। ये तो था इसका एक जनरल सा बेस। अब बात करेंगे इसके बाद इसके रूल्स और रेगुलेशंस के लिए, किसके रूल्स रेगुलेशन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। किसके रूल्स रेगुलेशंस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, कि किस टाइप के रूल्स रेगुलेशन लगा के हम इसको शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म की। ठीक है, कि एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिखा जा सकता है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे हम लोग, तो अपने पास एक बात मेथड हुआ करता था जब हमने एचसीएफ और एचसीएम निकालने सीखे थे, उस समय अपने पास एक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था अपने पास एक मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में चले, मान लिखा 3375. Write it in the exponential form. Write it in the exponential form. यानी इसको exponential form में convert करके दिखाओ। तो convert करने के लिए first of all क्या करेंगे इसका, कि prime factorization करेंगे, है ना। अतः prime factor तो सबको निकालें, 3375. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड हो रहा है 3 1 3 3 3 जा 9 2 2 1 3 5 जा 15 3 से डिवाइड हो रहा है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 1 8 25 5 से डिवाइड 5 से 25 टाइम 5 से 5 टाइम और लास्ट में लिखा मैंने 5 को 1 टाइम, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले, इट मींस मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की 3 पावर 2 एंड 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 डिग्री टाइम है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अब लिखे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इट मींस 3 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू द पावर 3 3 रेस टू द पावर 3 एंड 5 रेस टू द पावर भी 3। क्लियर है बात। चलिए एक और लेते हैं 648 हम प्लॉट दिया आपको 648 right in the form of exponential as well as expanded form, है ना। यानी इसको expanded form में भी लिखना है और exponential form में भी लिखना है। चलिए स्टार्ट करें। prime factors 648 और 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री टाइम्स नोट किया और फोर टाइम्स टू थ्री एंड फोर फाइनल आंसर। यानी आपके बुक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि जहां आपको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज
एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों में नोट डाउन करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिया करने के लिए कंटेंट 512, फटाफट नोट डाउन करके दिखाओ तो इसका आंसर क्या मिलता है हमें। क्वेश्चन था 512। क्वेश्चन दिया था हमने आपको 512, उसका आंसर मिला मुझे 2^9। एक साथ सारे क्वेश्चन और करते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका 3600। पार्ट आपका 512 जो आपको मिला था, और सम आपने डिवाइड किया था 2 4 1 1 11 2 5 जाते हैं 2^9। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपेंडेड की बात करूंगा तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 टाइम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको मैंने 3600 के लिए। करें सेट फॉर्म करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 ×
रिमेनिंग पार्ट जो स्टार्टिंग पोर्शन था वो था इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। आई थिंक बात क्लियर है सबके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन। चले एक बार अपनी बात को दोबारा दोहरा देता हूं आपके लिए, हमने बुक एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट स्टार्ट कर दिया है, वो है अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉर्ट कर लिया था जो स्टार्टिंग की थी, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है यानी उसी को सॉर्ट कर दिया, यानी फर्स्ट में वैल्यू फाइंड की थी मल्टीप्लाई करके, सेकंड में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था, थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फाइव दोनों ही एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करने थे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमने उसको भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा वो आपको सबको पता है, बाकी का नेक्स्ट पार्ट यानी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में।